की पैटर्न क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ लिस्ट के ऊपर, लिस्ट टुपल और डायरेक्टरी जो होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब चलिए एक बार समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों, हमने तो ऐसे ही किया है लेकिन इसकी जरूरत क्या है, चलिए समझते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें यूजर जो है 8-10 नाम एंटर करे, ठीक है। उस नाम को स्टोर करने के बाद फिर उस नाम को हमें आगे प्रिंट करना है, 8-10 नहीं, मान लीजिए कि 3 नाम 5 नाम प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे सिंपल सा लगाया लूप कि 4 i इन रेंज हमने 1 to 4 कर दिया। सर आपके स्क्रीन में जरूर नहीं है। ओके, एक मिनट। पहले इसके लिए दिख रही है अभी, थे अब यहां पे ए इक्वल टू हमने दिया इनपुट, और इनपुट में हमने नाम एंटर किया, एंटर नेम, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहां पे कि इस ए की वैल्यू को रखेगा, क्योंकि ये बार बार रिप्लेस होगा क्योंकि इसे 4 नाम 5 नाम देने हैं। तो मैंने यहां पे एन इक्वल टू एक लिस्ट ले लिया और यहां सिंपली बोला हूं कि एन डॉट अपेंड और इसके अंदर ए डाल देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट में एन प्रिंट कर दे रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, रन करते ही नाम एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने यहां पे नाम किया पूजा, मोहन, कविता। तो आ गया। अब अगर यहां पे हम लिस्ट यूज ना करते हैं तो क्या हमें यहां पे ABCD यूज करना पड़ता, या फिर डायरेक्ट इसके ABCD यूज करना पड़ता। अब ABCD यूज, अगर मान लीजिए ABCD यूज करते, मतलब कोई मतलब कि नॉर्मल डेटा टाइप यूज, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता कि 100 लूप है, 100 नाम एंट्री करने हैं, तो 100 उसके अंदर डालने होंगे, समझ रहे सर। इसे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, समझ में आया कि लिस्ट का यूज कब करते हैं, लिस्ट टुपल और डायरेक्टरी यूज कब करते हैं, जब रनिंग टाइम में, प्रोग्राम के रनिंग टाइम में हमें यूजर से कई सारे इनपुट या किसी और फंक्शन से डिफरेंट डिफरेंट कई सारे इनपुट्स को एक ही जगह पे स्टोर करना है, और ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हर इनपुट्स के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स ले, दैट टाइम हम एरे या टुपल या लिस्ट या डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करते हैं। राहुल जी, विक्रम जी, मनीष जी, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर, चलिए, ये जरूरी है क्योंकि पहले ये चीज जानना जरूरी होता है कि हम आखिर ये चीज सीख क्यों रहे। क्या वाइफ के साथ शॉपिंग करते समय जो फीलिंग होता है ना कि खरीद क्यों रही है, वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्या मनी जी? बिल्कुल इतने सारे सामान में करी है क्या, रंग पर साड़ी भरी है फिर भी साड़ी क्यों खरीद रही है? चलिए आज शॉपिंग पे जाना है ना, इसलिए सुबह सुबह फीलिंग हो रहा है कि हमें आज दिन में यही फील होना है, कपड़े की शॉपिंग करने जाना है।
चलिए चलिए, अब हम समझते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट। तो अगर मैंने ए इक्वल टू स्क्वायर बाय के दे दिया तो ए कहलाया ब्लैंक इंफिनिटी लिस्ट। क्या कहलाएगा? दिस इज द इंफिनिटी लिस्ट। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर आप कुछ नहीं डाला है, आगे आप अपेंड कराते जाइए, ठीक है ना। अपेंड के अंदर यहां पे आप देते जाइए कि पूजा ए अपेंड मोहन, ठीक है सर, ए अपेंड कविता। राइट, अब प्रिंट करेंगे तो ये आपके साथ प्रिंट होगा। तो ये कब करते हैं? जब हमारे पास वैल्यू आने वाली होती है उस केस में इसका यूज हम करते हैं। जैसे गेस्ट आने वाले हैं, हमें खाना तैयार रखना है, तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, खाना तैयार कर दिया। गेस्ट आएंगे अपना यूज करेंगे। ठीक है, और इसका है, इसको याद भी करो, ठीक है, क्लियर सर? यस सर। ओके, तो इसमें एक चीज ध्यान और रखिएगा कि हमने ये चीज लास्ट में बताया था कि इस पे हम अपने हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने यहां बोला कि भाई दूसरे के बाद मेरे को प्रिंट कर दो, तो ये सिर्फ कविता को प्रिंट करेगा यहाँ पे, मोहन और कविता, सॉरी। अच्छा, इसने पूजा और मोहन को पेश किया, कविता। अच्छा, जीरो से कवि, हाँ माफ कीजिएगा, जीरो से टू तक पेश किया ना। अगर मैं यहाँ पे टू कर दूं तो फिर ये टू के कविता के मोहन के बाद प्रिंट करेगा। ये कंसेप्ट तो मैंने बाहर बता ही रखा, इस तरह से यूज ही इसके अंदर करते हैं। तो यहां हमने ब्लैंक को समझा, ठीक है। एक मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ओपन। बात आती है कि चलो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो लिस्ट में कैसे डालें। तो ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आप डालते चले जाइए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबर में डालें या किस में डालें, आप डायरेक्टली इसके अंदर डेटा को एड करा सकते, ठीक है। तो और फिर वो उसके हिसाब से वर्क करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने में जब हम यूज करते हैं परसेंटेज का स्ट्रिंग वगैरह, तो पता ही आपको, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें तो लास्ट में कवर कर चुके हैं। अब इससे बात होती है क्रिएटिंग द रेंज लिस्ट। हम रेंज लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? तो अगर हम यहां पर लिखते हैं ए इक्वल टू रेंज, इसके अंदर तीन चीजें हैं, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा इंक्रीमेंट। तो एक से स्टार्ट हुआ, 10 पे फिनिश हुआ और एक का इंक्रीमेंट हुआ। यहां पे हम एक को प्रिंट करते हैं, तो देखिए पूरा का पूरा जो रेंज इस पे स्टोर हुआ है वो आ गया। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं सर? ऑब्जेक्ट जी। अब मैं इसी को करता हूं कि फोर आई इन ए, और इसमें करता हूं प्रिंट, और प्रिंट आई। तो अब देखिए, तो सारे कंसेप्ट को इसने प्रिंट किया। तो यहां पे ये चीज समझ लीजिए कि अगर मैंने रेंज को लिया
और इसके ऊपर स्टोर कर दिया। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 9 तक या 10 तक जो भी हो यहाँ पे स्टोर हो, वो एक उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देगा। लेकिन मुझे अगर उसके सारे नंबर्स चाहिए तो हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे इसका यूज कब होता है, सीक्वेंस के लिए होता है। इसका एग्जांपल हमने एक कुछ क्लास पहले हमने एक चार्ट बना के दिया था, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं, स्टार्ट एंड एंड स्टेप। अब स्टेप में क्या हो सकता है वो आप ले सकते हैं कि 2 का स्टेप, 3 का स्टेप, 5 का स्टेप, 8 का स्टेप होना चाहिए, ठीक है। इसका एक चीज और कर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका से भी हम डेटा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मैं यहां पे वेन इसका वाइल का यूज करूं, तो आई इक्वल टू 0 और यहां पे लिखा मैंने वाइल, वाइल में हमने दिया कि आई इज लेस देन लेन, और लेन के अंदर कौन सा ए, और उसके बाद आप प्रिंट कीजिए कि प्रिंट, और प्रिंट में ए और इसके अंदर आई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे सर, इसमें सबसे मेन स्टेप आई प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो। अब आई लेन से ज्यादा होगा तो यहाँ पे लूप बंद होगा ना, तो इसका भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। और सर जो ये रेंज है इसको अगर हम लिस्ट में कास्ट कर दें तो फिर तभी तो निकल आएगा। क्या लिस्ट में कास्ट करना थे? हाँ हो सकता है, जैसे हाँ हो सकता है। लिस्ट में कास्ट करने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले एक लिस्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि पी इक्वल टू हमने ये ले लिया और यहाँ पे हम करेंगे रेंज के ऊपर ही अगर हम लिस्ट लिख दे, अब इसको बोलते हैं कि मैं इसको यहाँ पे लिस्ट लिख दू। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है क्योंकि ऐसे आइडिया दिमाग में आए नहीं मुझे। और इस ए को प्रिंट करा लीजिए, देख लेते हैं विदाउट एनी लूप, कोई आई वाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपडेटिंग एलिमेंट में, हमने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, अपेंड करते हैं नया नीचे से ऐड करने के लिए, क्या सर। उसके बाद आता है अपडेट। जैसे अब इसे इसी को आगे बढ़ते हैं कि मुझे यहाँ पे 3 को 30 करना है, 30 करना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं सिंपल सा लिखूंगा ए और उसका पोजीशन 3 किसी पोजीशन पे है, 0 1 2 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू मैंने 30 कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कीजिए प्रिंट ए, ऐसा करने से क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पे 330 हो गया, जिसको बोलते हैं अपडेट कर। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो अपडेट समझाया कि एक एक इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, देन हमने बात की अपडेट, ठीक है। अपडेट समझ में आ गया, अपडेट और अपडेट दो चीज समझ गए। अपडेट के बाद हम बात करते हैं डिलीट कि मान लीजिए कि मुझे 30 जो था उसी को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डेल, डेल के अंदर ए और इसका पोजीशन नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, हो जाएगा सर, ये डिलीट हो जाएगा। अब इसमें प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट प्रिंट में ए,
अब 30 इसके अंदर नहीं होगा, नहीं है 30। तो हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट की जगह, डिलीट की जगह पे हम ऑल्सो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम डेल यूज ना करें तो यहाँ पे ऑल्सो हम कर सकते हैं रिमूव। ए डॉट रिमूव, इसके अंदर में मान लीजिए कि मुझे दूसरा नंबर, इसमें अब टू भी नहीं आएगा, टू थ्री सॉरी फोर, फोर देखिए नहीं टू नहीं आया ना, हमने टू रिमूव किया, ये देखिए वन, यहाँ वन टू थर्टी था, यहाँ पे क्या आ रहा है वन फोर, 30 गायब हो गया। तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। सही, जो आपने रिमूव तुम किया है, ये आपने इसका टू रिमूव कर एड्रेस दिया दिया है या फिर नहीं, एलिमेंट हुआ है सर, एलिमेंट रिमूव हुआ है, एलिमेंट रिमूव हुआ है सर। जैसे यहाँ पे देखिए, जी अगर मैं करता हूँ ए डॉट अपेंड, और अपेंड में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है, अब मुझे 50 को रिमूव करना, सो 50 रिमूव, ठीक है। तो एलिमेंट अगर पोजीशन के हिसाब से यूज करना है तो डेली यूज कीजिए, नंबर के हिसाब से करना है तो आप ये यूज कीजिए, क्या बोलते हैं रिमूव यूज कीजिए। अब इसमें आगे आती है बात कि रिवर्स करना, जैसे मान लीजिए काउंटिंग उल्ट उल्टा काउंट करना, ए डॉट रिवर्स, रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट ओपन क्लोज सर, ना, इसमें इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हम कब ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कब करते हैं पीछे, जैसे रिवर्स के पीछे कर दिया नहीं देखिए आपने ब्रैकेट, इसको। ये सुनिए बताते हैं, ए अपेंड के साथ जो है फंक्शन है, इसमें ब्रैकेट ओपन क्लोज तो होगा ही होगा, बात समझ गए, इसके अंदर वैल्यू डालें तो ठीक है, ना डालें फिर भी आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा। जो फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा ब्रैकेट एंड क्लोज करना पड़ेगा, ओपन क्लोज इनमें फिक्स है सर। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो आप अप्लाई कर रहे हो फंक्शन है या फिर क्लास, क्लास में करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन में करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा सर, फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्लास है या फिर ये हमारा फंक्शन है? जैसे ही आप क्लास को जैसे स्पेस मारेंगे तो आ जाएगा, जैसे डेल एक क्लास है, स्पेस डेल लिखते स्पेस मारते मेथड आ गया, फंक्शन में जब लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट ओपन करते समय आएगा, आया? अच्छा, वो मेथड होंगे। स्पेस पे मेथड, ब्रैकेट पे फंक्शन, मेथड ही जो यहाँ पे क्लास करते हैं, ठीक है। बाकी वो सारे चीज हम कर सकते हैं जो यहाँ हम करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि क्या हम दो लिस्ट को आपस में कॉन्केट कर सकते हैं, बोलना है सर, दो लिस्ट को कॉन्केट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ए इक्वल टू, हमने दो लिस्ट ले लिया यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, और एक हमने बी ले लिया, बी इक्वल टू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट सी, प्रिंट सी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सर, ज्वाइन हो गया। अब ऐसा नहीं है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे कि भाई 11, 22, 33, ऐसा नहीं होगा, ये होगा कि दोनों मिलके एक लिस्ट बन जाए, ठीक है। यस सर, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाए, सिंपल। और ये जो हमारा स्लाइसिंग वही होता है जो हमने किया, जैसे कि मुझे सी का 3 प्रिंट करना है, तो ये बताया था ना कि हम इसके अंदर में जैसे टेक्स्ट को करते हैं कि भाई मुझे
जीरो टू फाइव करना है तो 0 to 5 प्रिंट हो जाएगा, या 0 to 4 करना है तो 0 to 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने टेक्स्ट में बताया था, वो सेम चीज यहाँ पे आता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन है उसके बारे में हम बात, ठीक है, और जो फंक्शंस है उसके हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आता है सम, ठीक है, जैसे मुझे सी को सम करना है तो यहां पे प्रिंट में मैं लिखूंगा सी डॉट सम, सी डॉट सम, ब्रैकेट ओपन क्लोज। सम नहीं, ये तो इधर नॉनसेंस। सी डॉट सम करने पे सम आ जाना चाहिए। अच्छा ए डॉट सम करते हैं, ए डॉट, अच्छा अच्छा सम इसमें तो है नहीं सो, बहुत सिंपल। इसको सम 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 के अंदर आप इसको लिखिए हाँ अमन। सम के अंदर तो आ ही जाएगा, तो पता ही है सम के अंदर अगर सी करते हो तो चला आएगा, यहाँ सबका टोटल सम करके दिखा दिया कि 165 है, तो इसका मतलब कि बाकी भी वर्क नहीं करेगा, जैसे भी इंडेक्स अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम करते हैं सी डॉट इंडेक्स, और इसमें हम मान लीजिए कि हम 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 का इंडेक्स 6 है, 6 बता दिया, और अब यहाँ पे प्रिंट करें तो पता चलेगा कि प्रिंट 6, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा। तो ये फाइंड करने का काम आ सकता है कि आप इसको कोई अगर मान लीजिए डेटा फाइंड करते हो तो इंडेक्स नंबर देना चाहते हो ताकि आगे बाकी चीजों को प्रिंट कर सके, यहाँ पे प्रिंट कर सकते। अपेंड बता ही दिया था आपको, अपेंड सर ये 6 कैसे आया है, एक पोजीशन नंबर है सर, इंडेक्स नंबर है ना, यहाँ से काउंट 2 को, 2 का पोजीशन देखा है कि इसमें कहाँ है, 2 छठे नंबर पे है, प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी ठीक है ठीक। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे करना है सी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर में सबसे पहले देना है आपको पोजीशन, ठीक है, कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, तो हमने बोला कि चौथे नंबर पे मुझे 45 इंसर्ट, ठीक है, अब यहां पे मैं प्रिंट सी करता हूं। ठीक है सर, 45 ऐड हो गया, तो सर इंसर्ट क्या करेगा 45, अब किसकी पोजीशन के हिसाब से उसको आप ऐड कर, ठीक है, ऐसे बाकी आप सारे देख लीजिएगा।
शॉर्ट के बारे में कभी सुना ही बिल्कुल दिया था मैंने आपको अच्छे तरह से, रिवर्स बता ही दिया, क्लियर क्या करता है, क्लियर कर देता है, ठीक है। बाकी आप एक बार अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। हाँ जी सर। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, लेट सपोज कि हमने एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम रखे हैं, ठीक है, जिनके के जो लोअर और अपर में है, यानी कुछ लोअर में कुछ अपर में, मुझे सभी को अपर में या फिर सभी को लोअर में करना है, तो वो कैसे होगा? केस का लोअर प्लेन का फॉर्मूला होता है, केस का फॉर्मूला होता है, इसमें स्ट्रिंग में नहीं क्या बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? स्ट्रिंग में नहीं समझाया था क्या मैंने आपको? जी सर, तो वो हो नहीं रहा है। ठीक बता देता हूँ। देखिए जब भी आप कुछ काम करें तो आप क्या करें कि एक यहाँ पे ले जैसे हमें एस ए हमें ए इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे कर दिया सुजीत, ठीक है। अब मुझे इसको अपर में करना, नहीं ए फिलहाल स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इसमें मैं ये नहीं ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट के अंदर जाऊं, प्रिंट में लिखूं ए डॉट अपर, ठीक है। हाँ, ये ऐसे तो हो जाएगा, अगर हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हो जाएगा, बट पूरा लिस्ट पे परफॉर्म करना है सर। हाँ अब यहां पे अगर मैं इसको इस लिस्ट में कर दिया तो क्या हो, तब आपको एरर आएगा। तो यहां पे दो तरीके हैं, एक तो हम लूप लगा के एक एक करके कर दें, क्या क्या फिर वो मगर लूप लगाएंगे तो वो रिटेन नहीं करेगी वैल्यू, रिटेन मतलब? यानी उसमें सेम लिस्ट के अंदर रिटेन तो नहीं करेगी वैल्यू अगर हम लूप लगा करेंगे तो। हाँ ये एक प्रॉब्लम होगा, अगर लूप लगाए करते हैं तो सेम वैल्यू नहीं करेगा। या तो हम कोई नई लिस्ट बनाए उसके अंदर अपेंड कराएं सारी सारी चीजें। जी जी यही होगा सर, या उसके या उसी लिस्ट में अपडेट करते चले जाए ना, नया लिस्ट नहीं होने, उसी लिस्ट को अपडेट कर देंगे। कैसे हो सर? जैसे यहां देखिए यहां पे हमने किया पूजा, ठीक फिर उसका इंडेक्स नंबर निकाल के फिर नहीं वहीं पे इंडेक्स उसको नंबर, इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स करा दें। इंसर्ट नंबर कर लेंगे, यहां पे आई इक्वल टू करेंगे 0 व्हाइल आई इज लेस देन क्या होना चाहिए लेन, लेन में ए, ठीक है सर। जी अब यहां पे हम करेंगे सिंपल सा पी इक्वल टू ए आई, ठीक है। और फिर ए आई डॉट अपर, नहीं ए आई इक्वल टू पी डॉट अप, समझे। जी और यहां पे प्रिंट ए अपडेट करना सिखाया था ना आपको मैंने, जी बट यहाँ पे वैल्यू फिनिश होगा। ओ यहाँ उल्टा लग गया, ग्रेटर देन करना चाहिए था।
अनस्टॉपेबल हो गया सर, बिल्कुल हो जाएगा, या डिलीट करना पड़ेगा आज से, नहीं डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आ गया, सुचित पूजा मोह, अपडेट तो होना चाहिए। नहीं, आई ग्रेटर देन हो, आई लेस देन ही होगा कि आई लेस देन। हाँ ओ, हमने एक गलती कर दी लूप में, आई प्लस प्लस वन लिखे। इक्वल वन, हाँ यही दिक्कत हो रहा है। अब आ गया सर सेम पोजीशन। क्या किया मैंने, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बोला कि आई का जीरो जीरो उठा कर पी पे कर दिया, फिर ए का जीरो उठा कर पी पे डाल दिया, और फिर यहाँ पे ए का जीरो को पी अपर से रिप्लेस मार दिया। क्या ठीक है, ठीक है सर। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज की रिकॉर्डिंग और सब कुछ भेजें।